I think I'm just gonna wait for some time because I want a lot of people for this. And I have this a sound of a vibration because I'm constantly getting messages on the other social networking sites, which I can't help. So I have to probably, bear this whatever sound of notifications. Hello everybody. Welcome. I am here at 6 p.m. sharp, as I promised everybody. So, well, we all know what we are talking about, and I just want to build a lot of audience before I start talking or start answering your questions. If you can, please share it because I would like a lot of people to come and join, as I want to spread the message of peace and not war. I want to spread the message of love, not hate. I do understand there's a war going on, but then it doesn't really affect me. Because I haven't caused it, I'm not going to say anything about it. It's way bigger as a topic or as a matter of conversation for me as just an individual to comment about it. And I am just a citizen of India, and I don't have the power to either pursue a war or end a war. So I'm not just, I'm not going to talk my opinion about it. I'm not here to endorse the concept of hating. I just want to say that I am only responsible for myself and what I speak, not for 20 other billion people. I might represent them, but we are allowed to have difference in opinion. And it doesn't make me wrong, and it doesn't make me bad. तो मैं यहाँ पर झगड़े के बारे में बात करने के लिए नहीं आई हूँ. मैं ये कहने आई हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और मैं जहाँ से भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे अपना ओपिनियन रखने का हक है. तो कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियर करती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी. क्योंकि एक छोटा सा सवाल है जो आप लोग सोचिएगा, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. सो बेसिकली आई अपलोडेड अ GIF एंड एवरीबडी वेंट मैड. कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज सी मेरे पेज पे मैंने कुछ अपलोड किया था और सब लोग झगड़े करने लगे, गालियाँ देने लगे, चिल्लाने लगे. तो मुझे एक बात बताओ, मैं किसी कोई जोक अपलोड करती हूँ, किसी छोटे बच्चे का वीडियो अपलोड करती हूँ, कोई फनी वीडियो होता है, कुछ एनिमल्स के ह्यूमरस वीडियोस होते हैं, कुछ दूसरे कंट्रीज के वीडियो होते हैं, तो आप लोग सब हंसते हो, मुस्कुराते हो, टाइम पास करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, मस्ती करते हो. आप लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर मैंने कुछ चीज़ कही किसी कंट्री के बारे में, तो फिर आप लोग झगड़ा, आपकी कंट्री के बारे में तो आप झगड़ा करने लगते हो. आपको ये समझना चाहिए कि ये एक मजाक है. जैसे कि अगर मैं मान लो सेब, एप्पल, एप्पल द फ्रूट एप्पल, अगर मैं एप्पल को लेके कोई मजाक करती हूँ तो एप्पल मुझसे आके झगड़ा नहीं करेगा, राइट? सो अगर मैं कहती हूँ कि मुझे मैंगो ज़्यादा पसंद है, एप्पल पसंद नहीं है, या एप्पल ज़्यादा पसंद है, मैंगो पसंद नहीं है, तो मैंगो मुझसे झगड़ा नहीं करेगा. तो जब मैं कोई मेरे वॉल पे मैं अपलोड करूँ, या कोई और एडमिन कोई जोक या कोई GIF अपलोड करे, तो दूसरे कंट्री का है तो आप लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो, शेयर करते हो. अगर आपसे कोई मजाक कर ले तो आपको बुरा लगता है. तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपका भी मजाक उड़ा सकते हैं, उनको इतना हक है क्योंकि आपके वो दोस्त हैं, राइट? अगर मैं आपकी दोस्त हूँ तो अगर मैंने आपका थोड़ा सा मजाक उड़ाया तो उतना मुझे हक है ना? जैसे कि मेरी कोई फोटो अच्छी होती है तो आप लोग कहते हैं वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. कोई फोटो उतनी अच्छी नहीं होती है तो आप लोग कहते हैं कोमल, इसमें अच्छी नहीं लग रही हो, ये ड्रेस अच्छा नहीं है. तो उसके लिए मैं आप लोगों से झगड़ा नहीं करती हूँ, है ना? तो अगर किसी
किसी ने कुछ अपलोड किया तो उसमें जो आप गालियाँ देते हैं उससे बेसिकली कुछ होता नहीं है, मतलब मुझे कुछ नहीं होता है, मैं बस बता रही हूँ कि इट्स रियली फनी। इंसान अगर आपसे मजाक करता है तो उसको आप मजाक के तौर पे लीजिए, हर बात में गुस्सा होने की, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं जिस देश से हूँ वहाँ पे अच्छे लोग हैं बुरे लोग भी हैं, आप जिस देश से हो वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, तो हम यहाँ पे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? देखो, दो देश के बीच में झगड़ा है और हम क्या हैं, हम कहते हैं ना उस कंट्री, वी आर सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, हमारे पास उतना पावर नहीं है कि हम झगड़ा करें या झगड़ा को रोक सकें, है ना? ये मेरा ओपिनियन है, राइट? आपको जरूरी नहीं है कि आप मेरे ओपिनियन को मानो, बस एक बार सुन लो, इतना तो कर सकते हो ना, सुन तो सकते हो ना, राइट? आई एम नॉट आस्किंग यू टू अग्री टू मी, बट यू कैन लिसन टू व्हाट आई हैव टू से, राइट? सो मेरा ओपिनियन है कि हमारे पास पावर नहीं है कि हम झगड़ा करें या झगड़ा को रोकें, हमारे पास एक पावर है कि हम बढ़ाएं नहीं किसी भी चीज़ को, या अगर नफरत है, झगड़ा है, तो उस चीज़ को बढ़ाएं नहीं। हम अपने घर में अपने भाई बहन का भी मजाक उड़ाते हैं। मेरा भाई अगर उसके बाल अच्छे नहीं है, मेरे बाल अच्छे हैं, तो मैं बोलती हूँ, अरे देखो मेरे बाल तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं, है ना? तो इससे हम दुश्मन नहीं बने, ठीक है? अगर आप दोस्त हैं, अगर एक दूसरे के बारे कुछ मजाक उड़ा दिए, तो उससे आप बुरे नहीं बने। और दूसरी बात है कि अगर देशों में झगड़ा हो रहा है तो देश की सरकार है, आपके देश की भी हुकूमत है, उन लोगों के पास पावर है, हमारे पास पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि हम अच्छे और गलत में फ़र्क समझें और झगड़ा नहीं करें, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट, जो कि एक बहुत ही वर्चुअल मीडियम है जहाँ पे लोग एक दूसरे को सिर्फ बात करते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो वहाँ पे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे जैसा इंसान, मतलब मैं किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ। मेरे पेज पे अगर मजाक उड़ाया जाता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, हंसी मजाक अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, जापान, कोरियन वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, और इट्स इट्स जस्ट फॉर फन, राइट? सो आई एम नॉट स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ हेट्रेड हियर, आई एम नॉट स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ हेट मी हेट यू, नहीं यार, मतलब मैं कैसी हूं ना कि अगर आप बुरे भी हो ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मैं एकदम टेंशन फ्री हूं। तो मैं किसी भी साइड का सपोर्ट नहीं कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि ये गालियां वालियां देने से ना कुछ होता नहीं है, और हर एक जगह में, हर एक कौम में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो उसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक लीगल एंड यू नो गवर्नमेंट्स एंड परस्यूइंग अ वॉर, स्टार्टिंग अ वॉर, इसकी बात है, तो आप बताइए ना, कल कोई अगर झगड़ा शुरू भी हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? हम ये कर सकते हैं कि जितनी नफरत है उसको बढ़ाएं नहीं, है ना? अभी देखो, कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोस्ती नहीं हो सकती है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, लेकिन चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, राइट? 2 मिनट के लिए उन लोगों के लिए मान लेते हैं, चलो दोस्ती नहीं हो सकती। अरे दुनिया में, हमारे तो स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमारे क्लास में कितने सारे बच्चे थे, तो सब तो हमारे दोस्त नहीं होते थे ना, तो हम उन्हें मारते थोड़ी ना है, हम उनसे झगड़ा थोड़ी ना करते हैं। ठीक है, हमको जो ज्यादा पसंद है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, जो नहीं पसंद है वो भी ठीक है, हम उसे लड़ते नहीं हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्त नहीं बन सकते हैं, तो ठीक है ना, बट हमको एक दूसरे को गालियां देने की जरूरत नहीं है। अगर हम दोस्त नहीं बनते हैं तो भी चलेगा, इट्स ओके, और अगर हम दोस्त बनेंगे तो भी चलेगा, राइट? और सीरियसली मुझे एक बात आप बताओ ना यार, देखो मैं पाकिस्तान कभी आई नहीं हूं, मैं किसी को मिली नहीं हूं,
कभी मैंने फेस टू फेस किसी को देखा नहीं है, तो जिसको मैंने देखा नहीं मैं उससे नफरत क्यों करूं? राइट आप हिंदुस्तान आए नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के लोगों से मिले नहीं हैं, आपने उन्हें देखा नहीं है, तो आप उससे नफरत क्यों करोगे? राइट अभी देखो यार, दुश्मनी निभाने के लिए एक बार मिलना तो पड़ता है ना यार, राइट? तो अभी हम मिले ही नहीं हैं, कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर हम क्यों एक दूसरे से नफरत करें? राइट सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट वट एवर इज हैपनिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ यू और मी, राइट? जो झगड़ा हो रहा है वो आपके कारण नहीं हो रहा है, मेरे कारण नहीं हो रहा है। हम तो 87, 88, 89 में पैदा हुए हैं ना यार, हम तो न्यू जनरेशन है ना, ये झगड़ा तो 100 साल पुराना है, तो हमने थोड़ी ना झगड़ा कराया है, राइट? जो झगड़ा हो रहा है उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं, उसको हम कर भी नहीं सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए ना, हम झगड़ा नहीं करते हैं, राइट? हम झगड़ा क्यों करें? जिसको करना है करो। अभी देखो आप और मैं झगड़ा को रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये झगड़ा है तब का है जब हम पैदा नहीं हुए थे, मतलब जिसके बीच में भी है, जो भी सीरियस है सीरियस नहीं है, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रही हूं कि जो आज का जनरेशन है, जो हम हैं या हमारे बाद जो जनरेशन है, हम झगड़ा नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब मेरी मम्मी की एक फ्रेंड से मेरी मम्मी बात नहीं करती है, पर मैं उस आंटी के बच्चे के साथ खेलूं क्यों नहीं, या उसके बेटे के साथ फ्रेंडशिप क्यों नहीं करूं? मैं तो करूंगी, मेरी मम्मी को झगड़ा है तो होने दो, है ना? मम्मी को बात नहीं करना, पापा को बात नहीं करना, इट्स ओके, बट बच्चों को बात करने दो, है ना? क्योंकि ये जो झगड़ा जो चल रहा है ना, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे से, जब भी लाइक वेन एवर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड वेन एवर पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस, ये जो तब से झगड़ा चल रहा है ना, इसको कोई तो रोकेगा। मतलब चल आपने मुझे 4 गालियां दे दी, मैंने भी आपको 5 गालियां दे दी, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, राइट? सीरियसली कुछ नहीं हुआ। मतलब जो इंसान गाली दे रहा है ना, उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जो गाली सुन रहा है उससे। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि आप जब गुस्सा होते हो ना, तो आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एकदम फास्ट हो जाता है, राइट? उसके बाद जो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं ना, वो फास्ट काम करने लगते हैं, जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जो अंदर ब्रेन के जो प्रोड्यूस होती है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जल्दी 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 बॉडी में चलने लगते हैं, आपकी बॉडी एकदम शॉक्ड हो जाती है और आप इम्बैलेंस्ड स्टेट में आ जाते हो। ये सब गुस्सा होने की वजह से होता है, तो आप गुस्सा होते हो, गालियां देते हो, इससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान पहले आपका हुआ, बाद में जिसको आपने दिया उसको हुआ, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं बता रही हूं, ये जो झगड़ा हो रहा है ना, ये हमने नहीं किया, हम 1947 में पैदा नहीं हुए थे, हमने नहीं किया, हम तो नया जनरेशन है ना, हम तो वी डोंट केयर, लाइक हाँ इधर भी हंसो उधर भी हंसो, इंडिया के बारे बोला तो भी हंसो, पाकिस्तान के बारे बोला तो भी हंसो, हम न्यू जनरेशन है, हमको सिर्फ मस्ती चाहिए, हमको झगड़ा नहीं करना है। मैं ये बोल रही हूं कि यार जिसको मैंने देखा नहीं मैं उससे क्यों लड़ूं? आपने मुझको देखा नहीं, मुझसे मिले नहीं, तो मुझसे क्यों लड़ रहे हो? अरे चलो आपने लड़ा भी, उससे आपको मिला क्या? कुछ नहीं, राइट? सो यार मैंने कितने लोग गालियां दिए, कितने लोग गालियां दिए बताओ, क्या क्या नहीं हुआ मेरे पेज पे 2 दिन पहले या कल, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं ना, तो क्यों दिया? उससे अच्छा थोड़ी मस्ती कर लेता तो एंटरटेनमेंट भी हो जाता, राइट? देखो यार सीधी सी बात है, हमारे देश में भी लोग कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है, सॉरी आई गॉट अ मैसेज, ठीक है? हमारे देश में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, आपके देश में भी सारे अच्छे नहीं है, आधे बुरे भी हैं आधे अच्छे भी हैं। अभी क्या है ना, किसी को समझा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, जिसका ओपिनियन अलग है उसका ओपिनियन अलग ही रहेगा, आप उसको मर जाओगे ना, गला काट के भी दोगे ना, तो वो नहीं समझेगा। तो मैं क्या बोल रही हूं ना, किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत ही नहीं है, किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, जिसको समझना है समझो, जिसको नहीं समझना है बाहर में जाओ। क्यों? क्योंकि जिंदगी का 1 घंटा 2 घंटा भी टेंशन में ही लेना है, टेंशन लेना ही नहीं। किसी ने किसी को मार दिया,
तो मेरी क्या गलती है? मैं तो घर में थी ना यार, मैं तो सो रही थी, मेरी क्या गलती है? मुझको क्यों गाली दिया? अभी देखो, अभी इधर से उधर किसी ने मार दिया, उसमें आपकी क्या गलती है? आप तो उस टाइम पे ऑफिस में थे या आप कुछ और कर रहे थे, तो क्यों झगड़ा कर रहे हो? देखो यार, झगड़ा करना बंद कर दो, कुछ नहीं होता है। हम आपको घर में घुस के मारेंगे, तुम हमको घर में घुस के मारोगी, क्या है? ये बोलो कि अगर आपके घर पे कोई घुस के मारेगा तो हम आपको बचाएंगे, राइट? राइट? मेरे घर पे कोई कल घुस जाएगा तो आप मुझे बचाओगे कि उनके साथ मुझे मारोगे? चलो ठीक है, आपने उनके साथ मिलके मुझे मार दिया, मान लो, मान लो कि आपने उनके साथ मिलके मुझको मार दिया। अभी क्या हुआ, क्या हुआ? क्या 2 दिन खुश हो जाएंगे जो लोग मुझे मारे, फिर क्या होगा? 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना बीतेगा, उसके बाद कोमल को कभी तो मिस करोगे ना? अरे चलो, महीना भर, 6 महीना भर, साल भर बाद मिस तो करोगे ना? एक वीडियो तो मिस करोगे ना? अरे गलती सही सही कुछ तो मिस करोगे ना? तो क्यों मारा, तो क्या मिला? नहीं ना। लेकिन उसकी जगह पे अगर गुस्सा ठंडा करके शांति से सोचोगे, जान दो यार, इट्स ओके, तो 2-3 दिन में वो बातें भूल जाओगे, 1 महीने बाद फिर से दोस्ती, फिर से एंटरटेनमेंट, तो क्या अच्छा है? अभी बताओ, सो व्हाट इज बेटर, व्हाट इज बेटर, टेल मी, यू टेल मी, व्हाई आर यू फाइटिंग? मैंने क्या किया है? मैं तो घर में बैठ के सेब काट रही हूँ, आप मेरे को क्यों गाली दे रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना आपका, और आप भी शायद अपने घर में बैठ के चाय वाय पी रहे होगे। जिन लोगों को मारा गया आपने तो नहीं मारा। अभी देखो यार, पॉलिटिक्स है, 100 साल पुरानी दुश्मनी है, तो बच्चे लोगों की क्या गलती है? हम तो बच्चे लोग हैं ना, हम तो छोटे लोग हैं ना, राइट? आई मीन, आई वॉज नॉट इवन बोर्न इन 1947, डूड, वाई आर यू ब्लेमिंग मी फॉर दैट? पीपल 100 years अगो fought with each other, that's not my problem. तो फिर आप फिर medieval times में अकबर and बाबर, they fought with this, then Dravidians and that and this, then फिर history को लेके झगड़ा क्यों करे? क्यों करे? वो बोलेगा नहीं, मैं तो अकबर के साइड से हूँ, तो वो बोलेगा नहीं, मैं तो इसके साइड से हूँ, मैं तो मौर्या के साइड से हूँ। तो अभी हिस्ट्री को लेके झगड़ा करें, बोलो बोलो, ये क्या मतलब? एक मजाक कोई कर देगा तो सब आ जाएंगे गाली देने। तो जब चाइना के बारे में मजाक होता है, जब कोई कोरियन वीडियो आता है, जब कोई दूसरे कंट्री का वीडियो आता है, तो आप लोग झगड़ा नहीं करते हो, तो आप लोग हंसते हो, मस्ती करते हो, शेयर करते हो, 5-5 हजार, 6-6 हजार शेयर मिलते हैं मुझको। तो क्यों झगड़ा कर रहे हो? किसी ने मजाक कर दिया तो शांति से रहो ना। वैसे भी इंडिया ने पाकिस्तान को मार दिया, पाकिस्तान ने इंडिया को मार दिया, यार इंडिया के जो लोग हैं उनकी क्या गलती है? और पाकिस्तान के जो लोग हैं बेचारे, मतलब जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, जिन जो ठीक से बात नहीं कर सकते, उनकी क्या गलती है? गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज प्लेइंग पॉलिटिक्स, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, और दे डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर, दैट इज नॉट आवर फॉल्ट, राइट? आई मीन, टुमारो यू वॉन्ट टू कम एंड किल मी, यू वॉन्ट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट, स्वीटहार्ट। आई मीन, किसी ने किसी को मार दिया, अभी क्या हुआ? इट्स अ साइकिल, आप मुझको मारोगे, मेरा बेटा आपको मारेगा, फिर आपकी बेटी उसको मारेगी, फिर उसको मार मार के यार क्यों? मतलब शांति से फेसबुक पे बैठ के चाय पीना, खाना खाना, मस्ती करना, वीडियो बनाना, एकदम टेंशन फ्री, कोमल जैसे बनो, सीरियसली कोमल जैसे बनो, टेंशन ही नहीं लेती मैं। देखो यार, अभी मैं क्या करूं, मैंने झगड़ा नहीं कराया, मैं अपने देश से हूं, मैं अपने देश के लिए बुरा नहीं बोलती हूं, आपके देश के लिए भी बुरा नहीं बोलती हूं, लेकिन जो मैं मजाक उड़ाती हूं वो तो मैं सबका उड़ाती हूं, है ना? वीडियोस तो जो आते हैं वो हर कंट्री के वीडियोस आते हैं, जो आप लोग हंसते हो देख के, या GIF और व्हाटएवर दैट आई अपलोड, सो जस्ट चिल, सीरियसली, एक मजाक को मजाक समझो,
उसके लिए एकदम तिल का ताड़ राई का पहाड़ नहीं बनाने का, समझा? आ अभी उसने उसको मारा तो मैं क्या करूं? ना मैं क्या करूं बताओ, तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरे घर पे मैं काम छोड़ के झगड़ा करूं? क्यों करूं? उससे क्या होगा? क्या मेरी सरकार मेरी बात सुनेगी? नहीं। आप जो इतना चिल्ला रहे हो, क्या आपकी सरकार आपकी बात सुनेगी? नहीं, है ना? तो शांति से रहो, जो झगड़ा कर रहे हो उनको करने दो, आप अपने तरफ से नफरत मत फैलाओ, प्यार से रहो, शांति से रहो, मत करो झगड़ा। कोई मारता भी है तो इट्स ओके। गांधी जी ने क्या बताया था? गांधी जी ने क्या बोला था? नॉन वायलेंस, डोंट फाइट, डोंट फाइट, यू नो, कुछ नहीं होता झगड़ा करने से, कुछ नहीं होता। आपको टेंशन होगा और कुछ नहीं होगा। आपको मैं बताऊं मैं खुश क्यों रहती हूं? क्योंकि साला मुझको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कुछ भी बोले, मैं टेंशन ही नहीं लेती हूं। ये राज है, समझा? मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है यार। मैं आप बताओ मैं क्यों करूं आपसे दुश्मनी? आपको मैंने कभी देखा नहीं, आपसे मैं कभी मिली नहीं हूं, तो क्यों करूं? नहीं करती हूं। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, लाइक एवरी फ्रिकिंग बॉडी मैन, एवरी फ्रिकिंग बॉडी। एंड इसने उसको मार दिया, उसने बॉम्ब फेंक दिया, इसने फेंक, तो फेंको, मर जाओ सबके सब, सालों मार डालो एक दूसरे को, भाड़ में जाओ। मैं तो सीधा सीधा बोलती हूं, मेरी बात जिसको माननी है मानो, नहीं माननी है मत मानो, मेरी बात मानोगे आपका फायदा है। सीधा सा, यू नो, इट्स अ सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक, बी हैप्पी, सिंपल लॉजिक, डोंट फाइट, स्माइल, चिल, रिलैक्स। कोई गाली दिया, छोड़ देने का, फॉरगेट इट, भूल जाओ, चिल। जो जो चीजें हमारे देश में, और भी तो प्रॉब्लम है ना भाई, आपके मुल्क में और प्रॉब्लम है ना, है कि नहीं है? इलिटरेसी, पॉवर्टी, इतने सारे जो कल्चर्स और इतनी सारी जो प्रथाएं जो गलत हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, मर्डर्स, रेप्स, सच सीरियस नेशनल इश्यूज आर ऑलरेडी देयर। इतना जो एनर्जी है ना, उसको कहीं और चैनलाइज कर लो। झगड़ा क्यों कर रहे हो फेसबुक पे? और फेसबुक पे झगड़ा करके क्या मिलेगा जानेमान? हाँ, और मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ, एक वीडियो डालो तो लोग झगड़ा करते हैं, एक मस्ती करो तो लोग झगड़ा करते हैं। लाइक सीरियसली चिल। देर आर अ लॉट ऑफ इंडियंस इन इंडिया हु डोंट हेट पाकिस्तानीज, एंड देर आर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज इन पाकिस्तान हु डोंट हेट इंडियंस। There are a lot of Indians who fight. There are a lot of Pakistanis who fight, and it's okay. Let them fight. क्योंकि ये 100 साल पुरानी है दुश्मनी, right? Love and hate relationship. You know what India? मेरा वाईफाई उड़ गया। देखो वाईफाई भी डर गया। अच्छा सुनो, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप स्टेटस पता है? मैं बताऊं, मस्त रिलेशनशिप स्टेटस है। जैसे फेसबुक पे होता है ना रिलेशनशिप स्टेटस, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप स्टेटस है कॉम्प्लिकेटेड। इट इज सुपर कॉम्प्लिकेटेड, इट कैन नेवर बिकम सिंपल, एवर एवर एवर, आफ्टर 100 ईयर्स। ओके, सो सी, द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज लाइक लव एंड हेट। लव भी है, हेट भी है, हेट भी है, लव भी है। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसा और आपके एक्स बॉयफ्रेंड जैसा, साला उसको ना भूल सकते हैं ना उसके साथ में रह सकते हैं। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड, उसको भूल भी नहीं सकते हैं और उसके साथ रह भी नहीं सकते हैं। लव एंड हेट रिलेशनशिप, यही है रिलेशनशिप इंडिया और पाकिस्तान का। पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप था 100 साल पहले, नहीं जब भी 60 65 साल 70 साल पहले, फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया, फिर दोनों झगड़ा करते हैं, फिर वो उसको मारता है, ये इसको मारता है, वो नई गर्लफ्रेंड बनाता है तो इसको जलन होता है, राइट? फिर वो उसको बॉम्ब फेंकता है, वो उसको मारता है,
मरने दो सबको, मैं बोल रही हूँ आगे झगड़ा मत करो, सीरियसली अपने बच्चों को ये मत सिखाओ, उसके बच्चे को वही वही सिखाएंगे। हमको भी बोला गया हेट हेट हेट, हमने बोला नहीं नहीं नहीं, आई विल नॉट हेट हेट हेट, आई विल लव 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 लव, आई विल नॉट हेट, इट्स ओके। यार हमारे हाथ में नहीं है कुछ, कंट्रोल में नहीं है, वी डोंट डिसाइड वॉट हेलीकॉप्टर्स फ्लाई एंड वॉट मिसाइल्स टेक ऑफ, यू नो वी डोंट डिसाइड दैट, वी आर सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, एंड इफ टू कंट्रीज फाइट एंड इट्स देयर गवर्नमेंट्स इश्यू, यू नो द गवर्नमेंट इज फाइटिंग, द ब्यूरोक्रेट्स आर फाइटिंग, द एंटायर फ्रिकिन पॉलिटिकल सिस्टम इज फाइटिंग, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड एनी कंट्री फॉर दैट मैटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो झगड़ा होता है ना वो गवर्नमेंट के बीच में होता है, मुल्क की आवाम देश के देशवासियों में नहीं होता है, आप समझ रहे हो ना। अगर पड़ोसियों में झगड़ा होता है ना तो मम्मी पापा और उसके मम्मी पापा में होता है, बच्चे क्या करें, बच्चे तो साथ में साइकिल चलाएंगे ना ग्राउंड में, बच्चों को वो सब सिखाना गलत है क्या, समझा। सो डोंट हेट ईच अदर डूड, सीरियसली, एंड इफ यू वॉन्ट टू इट्स ओके गो अहेड, मतलब आपको इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर आपको हेट करना है ना तो आप करो, उससे आपका ही नुकसान है और उससे हमारा तो नुकसान है नहीं, मेरा तो नहीं है, मैं तो मस्त रहती हूँ, रुको मैं एप्पल खा लेती हूँ, मुझे भूख लग गई, इतना बोला ना। चलो अभी थोड़ा मैसेज पढ़ते हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं। Thank God, at least some people agree to me. Seriously. Wow, one second. This is like Mukesh Sharma. In India, there's a disease called secularism. You are all publicity sticker and you all what? Perception that every Indian Muslim is a traitor and you can't unhappy them. I'm seeing this live chat, 90% are Pakistani lovers. Okay. Mukesh Sharma. Hi, Mukesh. You just made me laugh. Thank you so much. Hi, Mukesh. Thank you for writing so much. I really appreciate it. You know, secularism is not a disease. Secularism is one of the highest, you know, the highest traits that our constitution has been blessed with. And being a secular country is a very big thing. There are very few secular countries and India is one of them. We allow all religions to stay here and we don't fight with them. Indian Muslims are very happy, you know. The rights, the fundamental constitutional legal rights, हमारे देश में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनको वोट देने का, हर चीज का, नौकरी के लिए, घर खरीदने के लिए, हर चीज के लिए, जितना एक हिंदू को हक है उतना ही एक मुस्लिम को है। मतलब इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे हर धर्म के लोग रहते हैं, इंडिया में भी मुस्लिम्स हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्युलर होना बहुत बड़ी बात है और शायद आप इसको गलत समझते हैं, इसको आप डिजीज समझते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आई एम रियली प्राउड दैट इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, क्रिश्चियनिटी, एवरीथिंग इज इक्वल, है ना, हर इंसान को उतना ही हक है। और जहां तक मेरी फ्रेंड लिस्ट का बात है, जो आपने कहा कि 90% 80% पाकिस्तानी लोग हैं, तो हाँ ये भी सच है कि पाकिस्तान में लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोस देखते हैं और मुझे, वो मुझे प्यार करते हैं, मतलब इंडियन हूँ मैं या पाकिस्तानी हूँ या मैं अमेरिकन हूँ या मैं जापानीज हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो कोमल से प्यार करते हैं। कोमल एक इंसान है,
कोमल एक इंसान है, कोमल मस्ती करती है, कोमल किसी से नफरत नहीं करती है, ये जिनको लगता है वो कोमल से प्यार करते हैं। अभी वो पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, अमेरिका से हो, अफगानिस्तान से हो, बलूचिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, चांद से हो, मार्स से हो, जुपिटर से हो, सैटर्न से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोमल कोमल को लोग प्यार करते हैं, कोमल क्या है ये सोच कर नहीं करते हैं। तो जो पाकिस्तानी मुझसे प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनको पता चला कि मैं इंडियन हूं तो वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। प्यार प्यार होता है। अगर आपको किसी के लिए किसी में कुछ चीजें पसंद है तो फिर वो पसंद होंगी, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, राइट। अभी मुझे पता है कि पाकिस्तान में काफी लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। मैं आपके लिए ईद का वीडियो भी बनाई थी ना। तो आप लोग ऐसे झगड़ा मत करो, सीरियसली मैं बता रही हूँ। और मैं किसी भी कंट्री, देखो मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया में पैदा हुई थी और मैं इंडिया में रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी दुनिया से नफरत करूँ। अरे यार, अमेरिका में भी मेरा फ्रेंड्स हैं, अभी मेक्सिको में आई हैव फ्रेंड्स इन ब्लडी एवरीवेयर, दुबई एंड एवरीवेयर। सो इट डजंट मीन दैट आई हेट देम, यू नो। अभी कल दुबई की गवर्नमेंट इंडिया से फाइट करने लगी, पूरा मिडिल ईस्ट झगड़ा करने लगेगा, या लेट्स जस्ट से बैंकॉक एंड चाइना एंड व्हाटएवर, सो दैट डजंट मीन आई लूज माय फ्रेंड्स, राइट। मेरे दोस्त जो वहां पर है वो मेरे दोस्त ही रहेंगे ना। तो आप लोग क्यों कर रहे हो झगड़ा, क्यों गालियां दे रहे हो? मुझे हंसी आती है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। ठीक है, झगड़ा मत करो। I'm just gonna finish my apple and I'll talk to you guys later. I also have to dry my hair because I'm looking like a bloody stupid. तो मैं जाती हूँ, खाना खा लेती हूँ, I mean apple खा लेती हूँ, बाल सुखा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। Is that okay? जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, please इस live video को share करिए ताकि लोग समझे कि हमें झगड़ा की नहीं, हमें प्यार की जरूरत है। वी नीड पीस, यू नो, वी डोंट नीड टू फाइट। एंड इवन इफ पीपल आर फाइटिंग, इट्स ओके, दैट्स देयर मेस अप, लाइक लेट देम फाइट, वी कांट डू एनीथिंग। इवन इफ वी आर, वी कैन ओनली टॉक एंड सपोर्ट एंड नॉट सपोर्ट, राइट राइट। आई नो पीपल लव मी, इट डजंट मैटर वेयर आई कम फ्रॉम, राइट। So I'm gonna go. I love you all so much. I'm gonna come back later because I have to dry my hair, and I will talk to you in, let's say, late night. Bye bye. I love you all. Mwah. Don't fight. Chill, relax, be happy, and share this video.